पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि उन्हें पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाए कि कार्रवाई पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से की गई है। इमरान जब अलकादी ट्रस्ट मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे तभी उन्हें रेंजर्स ने अपने गिरफ्त में ले लिया। मामले के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गृह मंत्रालय के सचिव और इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को तलब किया। उन्होंने 15 मिनट में सभी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। जस्टिस फारूक ने कहा अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाएंगे। आप ये बताएं कि इमरान को किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, फिर से मेरी अदालत में पेशियाँ हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया इंटेलिजेंस ऑफिसर का जिसने दो दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस आदमी ने दो दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूँगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी कौम, सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती, अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, दो पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम दो ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था? मैं PTI नेता मुसरत चीमा ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो लोग इमरान खान साहब को मार रहे हैं, उन्होंने इमरान साहब के साथ कुछ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इमरान की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। बताया अभी जा रहा है कि इमरान खान के वकील और समर्थकों से मारपीट भी की गई है। गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने कहा कि मुझ पर कोई मामला नहीं है, कि मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद खबर आई कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने PTI के अध्यक्ष इमरान खान का अपहरण कर लिया है। रेंजर्स ने इमरान को धक्का दिया, इस धक्का मुक्की में वो घायल हुए हैं। ये एक विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला है। आरोप है कि इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री इसे गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन मुहैया कराई थी। इसका खुलासा पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज ने किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने उनकी गिरफ्तारी के नाम पर धमकाकर अरबों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली। बाद में रियाज और उनकी बेटी का ऑडियो भी लीक हुआ था। इसमें इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की ओर से 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी मांगे जाने की बात सामने आई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से